कैमरा ऑन नहीं था, पेड़ पौधे लगे हुए थे लेकिन इस समय काट दिया गया है पता नहीं क्यों। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए मैं इस समय गुच्चू पानी के चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, वो सामने लिखा हुआ है पर्यटक स्थल गुच्चू पानी। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ से ऑटो किया है जो कि 400 रुपये में लेके जा रहा है सहजधारा। तो चलते हैं सहजधारा की तरफ। अंदर गुच्चू पानी में बहुत स्कैम चल रहा, दूध में पानी मिलाया जा रहा है। थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा नेचुरल दूध में पानी, अमूल पराग और ये सब तो छोटी मोटी है। तो गाइस देखिए हम लोग आ गए सहजधारा के नज़दीक में बिल्कुल। और ये देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे। चलो भैया यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है और यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा है 20 रुपए के गिलास, वैसे 30 रुपए रेट बताया जा रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ के हमारा गन्ने का जूस, ये जूस गन्ने का कोल्ड ड्रिंक से बहुत अच्छा होता है, नेचुरल जूस। ये देखिए ये सहजधारा का पानी आ रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सहजधारा को जाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। हाँ ले रहे हैं यार, भीड़ देख रहे कितनी हो रही है। अरे यार इतनी भीड़ आ गई, हमने भी नहीं देखा। अरे लेकिन आज संडे है, छुट्टी का दिन है, ऐसा भीड़ हो गई इसी चक्कर में। ये उसी चक्कर में निकालेंगे, पार्किंग में जगह थोड़ी होगी। देखिए गाइस प्राचीन शिव मंदिर, ये देखिए गाइस मंदिर से निकलते ही छोटी सी मार्केट है। तो गाइस अभी दिखाएंगे आपको कितनी भीड़ यहाँ पे रहने वालों की है। पिछली बार वीडियो में आए थे तो यहाँ पे कुछ ये बिल्कुल सहजधारा बिल्कुल सीधे चल रही थी, आज सीधे नहीं चल रही है, इन्होंने रोक बना दिए हैं, पानी रुक के चल रहा है। ये देखिए गाइस छोटे छोटे डैम टाइप के बना दिए हैं यहाँ पे, जिससे पानी रुक सके और इसमें लोग नहा सकें अच्छे से। ये देख सकते हैं लोग कितने सारे नहा रहे हैं। हाँ लॉकर तो लेना पड़ेगा, 50-50 रुपए का लॉकर मिलना है यहाँ पे। इधर चेकिंग रूम 10 रुपए का गर्ल्स के लिए। ये देखिए गाइस लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों चढ़ते हुए, और अभी हम लोग भी जाएंगे ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हुए। कैमरा ऑन नहीं था, ये पूरी तुम्हारी ही है जिसके यहाँ ऑन करके रहना चाहिए। गलती इनकी, इन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया, हम वहाँ से चढ़ते चले आ रहे हैं, इन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया और थक गए। ये सब इन्होंने काट डाला, पहले यहाँ पर खूब झाड़ियाँ लगी हुई थी, पिछले ब्लॉक में देखा होगा जब हम सहजधारा के आए थे, करीब 2 साल हो गए होंगे, तो ये सब पेड़ पौधे लगे हुए थे लेकिन इस समय काट दिया गया है पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है कुछ बनाएंगे इस पे भी। नहीं लैंडस्लाइड हुआ है, ये लैंडस्लाइड हुआ है पूरा। पीछे पीछे चलो तब तुम्हारी आएगी, आगे आगे दौड़ते चले जा रहे हो। दिक्कत तो बाद में ना होगी, बहुत है कि हम नज़र नहीं। हम लोग यहाँ पर इस बार बड़ा जल्दी आ गए, बहुत तगड़ा व्यू है। चल भैया देख चल के, बहुत तगड़ा व्यू बता रहा है छिद्री ऊपर, ये गेट बन लगे हुए हैं दो। देखिए यहाँ पे सहजधारा, ये इधर साइड में है, सहजधारा के पड़ोस में ही ये वाटर पार्क बना दिया गया है, ये देखिए एंजॉय करने के लिए। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे बियर की बोतल ये पड़ी हुई है और इसमें और सामान भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से गंदगी फैलाई जाती है टूरिस्ट प्लेस पे। तो गाइस देखिए हम लोग नीचे उतर रहे हैं और वो सामने सहजधारा दिख रही होगी, और हम लोग थोड़ा पहाड़ के साइड में आ गए हैं जहाँ पे गुफाएँ दिखाते हैं आप लोगों को अभी। गाइस सहजधारा और इस गुफा में सब गंधक का पानी गिरता है, बहता है। ये देखिए गाइस इसमें एक तरफ से घुसते हैं लोग और दूसरी तरफ से बाहर आते हैं, ये देखिए कैसा नज़ारा लग रहा है, सब गंदक के पानी से इस तरीके का हो गया ये गुफा। बोतलों के ऊपर तक जम गया पानी, तो पत्थर जम रहा है। एक ये बोतल रखी हुई है, देखिए लोग आते हैं कैसी गंदगी फैला जाता है।
अरे आयो दारू पीने पी, दारू पियो, लेके जाओ अपना सब सामान। ये देखिए गाइस यहाँ पे पानी भरा हुआ है, सौरभ देख रहे हैं। और गाइस ये देखिए मुझे एक मछली मिली है, मछलियाँ भी इसमें तैर रही हैं। ये पत्थर पूरा सफेद हो गया है, जैसा लग रहा है बर्फ गिरा है इसके ऊपर। और ये गंधक के पानी से सब हुआ है। ये देखिए पानी भरा हुआ है, पैर बिल्कुल साफ चमक रहे हैं। ये देखिए गाइस बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस सामने गंधक जलकुंड लिखा हुआ है और ये नीचे की तरफ एरो बना है। इसका मतलब है ये पूरा जो जल है, जितना भी ये सब भरा हुआ है, वो सब गंधक का पानी है। लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे एकदम से स्विमिंग। गाइस फोर व्हीलर स्टैंड और देख सकते हैं अभी भी कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहाँ पे। अरे गोद में ठहर ले यार, रॉकी भाई गोदी में बैठ के यार, पड़ोस में पकड़ा हमने, छोड़ा नहीं तुम्हें, हमको बताओ रॉकी भाई। लग रहे हैं रॉकी भाई भाई दौड़ के आए हैं। तो गाइज देखिए ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और थोड़ी सी मस्ती दिखाएंगे आपको होटल में। आई होप यो गाइज आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में मसूरी वाले। नहीं चढ़ गए।